11 नंबर है ना क्वेश्चंस तुम्हारा, हाँ सर। 11 नंबर है। देखो, ए मीटर लॉर्ड ऑफ लेंथ ए, लैंड मास एम, इज पाइवोटेड एट वन एंड ए थिन डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर, आर जो है वो लेस देन एल है, इज अटैच्ड एट इट्स सेंटर। एक तुम्हारा मीटर रॉड है एल लेंथ का, मास सेम, पिवोट वन इन ए डिस्क है एम मास का, दोनों का मास आई थिंक सेम ही है, एम मास का है, और एक रॉड है तुम्हारा, ये एक रॉड दिया हुआ है जो इस वन इंड पे पिवोटेड है, रूफ के साथ सपोज पिवोटेड है। मेटल रॉड लेंथ एल है और इसका भी मास एम है, नहीं मास स्मॉल एम है इसका, इसका मास स्मॉल एम है। एंड जो रेडियस आर है, इसका जो रेडियस आर है तुम्हारा, वो आर दिया हुआ है लेस देन एल है। कंसीडर टू वे द डिस्क इज अटैच, केस ए द डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट सेंटर। दो केस बोल रहा है, केस ए, केस ए में मेंशंस है डिस्क इज, क्या था केस ए में, केस ए में था तुम्हारा, इधर गया, द डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट, डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट, और केस बी में है, केस बी में है तुम्हारा, केस बी में दिया हुआ है द डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। यही है, दो केस दे दिए हैं, एक केस में है तुम्हारा डिस्क फ्री टू रोटेट है, और दूसरे केस में जो डिस्क है वो फिक्स किया हुआ है अबाउट द सेंटर। बोला द रॉड डिस्क सिस्टम परफॉर्म एस एच एम, अब ये रॉड के साथ जो डिस्क है ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस कर रहा है, दो केसेस है, एक पूरा डिस्क इसी के साथ ऐसे ऐसे जा रहा है, दूसरा डिस्क के अबाउट, सेंटर अबाउट के अबाउट भी वो रोटेट कर रहा है, दो केसेस है। बाय बीइंग रिलीज फ्रॉम द सेम डिस्प्लेसमेंट पोजिशन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये देखो, ड्यूरिंग द क्लासेस हमने जब मास बता रहे थे ना, सिंपल पेंडुलम जब बता रहा था ना, तो देखो इसमें क्या है, इस केस में अगर तुम डिस्प्लेस करते हो, सिंपल पेंडुलम में मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था तुम लोगों को, कि जैसे देखो ये जब यहाँ है, यहां से यहां इसको जब डिस्प्लेस कर रहे हो, तो इस केसेस में सपोज ए बी सी और डी चार पॉइंट्स हम अगर डिस्क पे ले, तो पूरा का पूरा ए यहीं पे ऐसे रहेगा, इधर में ऐसे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, ये केसेस में। बट अगर तुम इस केसेस के लिए देखोगे, इस केसेस के लिए देखोगे तो वो फ्री टू रोटेट है, अगर यहाँ पे तुम्हारा ए बी सी डी ऐसे है, तो ये तुम्हारा इधर भी इसके अबाउट भी रोटेट कर रहा है, और साथ में पूरा डिस्क इसके अबाउट भी रोटेट कर रहा है। अब मान लो ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो दोनों अलग अलग केसेस है, इसमें डिस्क और रॉड पूरा एक साथ है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क का कोई रोटेशन नहीं है। तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या तुम्हारा, जो हमको इक्वेशंस लिखने हैं, तो दोनों केस का बस इक्वेशंस लिखोगे, और दोनों में डिफरेंस जो आएगा, दोनों केसेस के लिए थीटा एंगल से डिफ्लेक्शंस करा लो, ये रूल्स था टाइम पीरियड फाइंड करने का, एसएचएम फाइंड करने का, तो थीटा एंगल से हमने डिस्प्लेस करा दिया दोनों को। रिस्टोरिंग टॉर्क लिखो, तो रिंग का भी और डिस्क का भी और रॉड का भी, दो इसका एम जी लिखोगे और इसका भी एम जी लिखोगे, दोनों रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसमें भी अगर लिखोगे एम जी, कैपिटल एम जी, और इसका एल बाय टू डिस्टेंस पे, इसमें भी स्मॉल एम जी लिखोगे। यहाँ तक क्लियर सुदीप? हाँ अब जब टॉर्क लिखोगे रिस्टोरिंग, तो इसमें जो टॉर्क लिखोगे दोनों में, दोनों का टॉर्क वही आएगा, बस मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। अब इसका जब टॉर्क लिखोगे, तो एक आएगा एम जी का साइन कंपोनेंट और दूसरा स्मॉल एम जी का साइन थीटा कंपोनेंट, इसमें जो मल्टीप्लायर होगा तुम्हारा एल,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी का, देखो ये थीटा, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, मल्टीप्लायर एल होगा, और स्मॉल एम जी साइन थीटा में मल्टीप्लायर जो होगा वो एल बाई टू होगा। यहाँ पे भी टॉर्क अबाउट ओ, इस केस में भी और इस केस में भी टॉर्क अबाउट ओ, एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाय एल एंड प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाय एल बाई टू। बट अब अगर दोनों को देखोगे, अल्फा इक्वेशंस लिखोगे, तो अल्फा में टॉर्क अबाउट ए, देखो यहाँ पे भी टॉर्क वही है, यहाँ पे भी टॉर्क का इक्वेशंस वही है, बट इसमें यूज करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, यहाँ पे भी अल्फा में यूज करोगे टॉर्क अबाउट ओ डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। अब यहाँ पे डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट है, तो अब अगर तुम्हारा ये रोटेट कर ही नहीं रहा है, तो आईसीएम सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आने वाला है, तो बस इसके अबाउट, तो इसके अबाउट अगर देखोगे तो रेडियस छोटा है, मेंशंस है आर इज लेस देन एल, लेंथ बहुत बड़ा है, तो ये पॉइंट मास हो गया, तो इसका इसके अबाउट आ गया तुम्हारा एम एल स्क्वायर सीधा, और रॉड का 1 इंच के अबाउट एम एल स्क्वायर अपॉन 3, ये लिख दिया। बट इसमें ये फ्री टू रोटेट है, इसमें जब अल्फा लिखोगे तो टॉर्क अबाउट टू, सबसे पहले इसका आईसीएम लिखोगे प्लस एम डी स्क्वायर करोगे, क्यों, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेट है, ये उसके अबाउट भी फ्री टू रोटेट है, तो जब आईसीएम लिखोगे तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर तो एम आर स्क्वायर अपॉन टू, ये डिस्क आ गया। इसके बाद फिर एम और डी की जगह एल स्क्वायर एंड प्लस एक और रॉड का हो गया स्मॉल एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो दोनों इक्वेशन को जरा देखो, ये पहला इक्वेशन को देखो और दूसरा इक्वेशन को देखो, अल्फा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर भी करोगे ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा, यहाँ पे भी अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा, इसको मान लो ये पहला केस का है, सो इसमें ओमेगा वन कर लेते हैं, दूसरा केस का है केस बी का, इसलिए ओमेगा बी कर लेते हैं। दोनों का नीचे वाला जो टर्म देखोगे टॉर्क अबाउट वो तो दोनों के लिए सेम है, दोनों केस में दिख रहा है सुदीप, टॉर्क अबाउट हाँ सर, दोनों का क्या है सेम है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लेसर है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ग्रेटर है, क्यों, क्योंकि इसमें एम आर स्क्वायर बाई टू भी आ गया है और यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई टू नहीं है, तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है तो अल्फा क्या है छोटा, तो हाँ सर, अल्फा जिसका अगर छोटा होगा, ओमेगा स्क्वायर अगर कंपेयर कर लोगे यहाँ पे, थीटा अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखे हैं हम लोग फिर यहाँ से इसमें डिवाइड जब करेंगे, तो यही तो स्मॉल एंगल है साइन थीटा, थीटा के टर्म में वो तो कॉमन आ जाएगा, बट डिवाइड कर रहे हो तो जिसका अल्फा बड़ा है उसका ओमेगा क्या हो जाएगा छोटा, अगर देखोगे तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई अबाउट ओ, दोनों का कॉमन अगर देखोगे, रिजल्ट्स अगर देखोगे या जनरल जो हम लोग टॉर्क लिखते हैं और टॉर्क को फिर आई अल्फा से इक्वेट करते हैं और फिर टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करके अल्फा लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर जो है ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ टॉर्क सेम है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा उसका ओमेगा क्या हो जाएगा छोटा, टाइम पीरियड देखोगे तो 2π/ω, जिसका ओमेगा छोटा उसका टाइम पीरियड क्या होगा बड़ा, तो अब इस क्वेश्चन में देख लो क्या क्या बोल रहा था, 1x1 देख लो क्या क्या फाइंड करना था, तो पहला देखो क्या बोल रहा था, रिस्टोरिंग टॉर्क इन केस ए इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क इन केस बी, ये सही है, दोनों का टॉर्क का इक्वेशंस क्या है सेम है, ये क्लियर है पहला। हाँ सर, दूसरा, रिस्टोरिंग टॉर्क इन केस ए लेस देन रिस्टोरिंग टॉर्क इन केस बी, ये तो रॉन्ग है। तीसरा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ केस ए इज ग्रेटर देन द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ केस बी, यहां देखो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा बड़ा है, इसका बड़ा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है, आई अगर बड़ा कर दोगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा छोटा, और यही तो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो केस बी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेसर है और केस ए का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, तो सी में था एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर केस ए इज ग्रेटर देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ केस बी, तो सी तुम्हारा करेक्ट है। डी,
तो उल्टा है तो वो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो गया ए एंड सी। क्लियर हुआ ये? अपना हाँ सर, तुम्हारा भी कुछ पर्सनल डाउट होगा भेजना, इसमें आज हम लोग पर्सनल डाउट्स ही कर रहे हैं, जिसके भी जो डाउट्स बच गए हैं वो कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ? हाँ सर, देखो नेक्स्ट दूसरा कर रहे हैं। अपर्णा आवाज आ रहा है तुमको? बोल ही नहीं रही है मिश्रा। और मानवी तो बस आई, चेक करके चली गई कि हाँ क्लास हो रहा है ना बस। चलो ये क्लियर है, मिटा दे सुदीप। हाँ सर, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा कॉपी कर। हाँ कॉपी कर लो। सब मिटा दीजिए, होगी। चलो दूसरा देख लो, दूसरा भी तुम्हारा अच्छा प्रॉब्लम है, सब तो आईआईटी का ही लेके भेजे हो। हाँ अभी आपको आवाज हाँ अभी आई, आई? हम इससे पहले भी 3 बार यस सर बोले अभी से पहले एक बार भी नहीं आई। तुम्हारे कुछ पर्सनल डाउट्स होंगे तो भेज देना मुझे पर्सनली, उसको भी मैं ले लूंगा। ठीक है थे। ओके सर, इसमें शायद डाटा में कुछ करेक्शंस था, बट वो बनाते समय भी हो जाएगा। देखो थर्मोडायनामिक्स का है, पी इनिशियल 10^5 पास्कल है और वॉल्यूम इनिशियल है 10^-3 m³। चेंजेस टू फाइनल स्टेट, ये इनिशियल इनिशियल का कंडीशन है और फाइनल में बोल रहा है कि पी फाइनल है तुम्हारा 1/32 × 10^5 पास्कल और वी फाइनल है तुम्हारा 8 × 10^3 m³। और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बोल रहा है यहाँ से यहाँ पी क्यू वी 5 = कॉन्स्टेंट, या ऐसे भी लिख सकते हो पी वी 5/3 = कॉन्स्टेंट। ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, दोनों लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चंस तो तुम नहीं देख पा रही होगी ना पढ़ना, तो मैं क्या करता हूँ क्वेश्चंस को भेज देता हूँ ग्रुप में भी। क्वेश्चंस भी दिख रहा होगा ग्रुप में। बोले गैस इज इंक्लोज्ड इन ए सिलेंडर विथ ए मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इट्स इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट एट पी इनिशियल दिया हुआ है, वॉल्यूम इनिशियल। चेंजेस टू ए फाइनल स्टेट पी फाइनल वी फाइनल दिया हुआ है। कंसिडर अनदर थर्मोडायनामिक्स, पहले बोला एक केस हो गया, ये केस वन, इनिशियल ये है और फाइनल ये है। फिर बोला कंसिडर अनदर थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट टू द सेम फाइनल स्टेट। दूसरा एक प्रोसेस है जिसमें इनिशियल यही लेना है और फाइनल यही लेना है, दो प्रोसेस है। एक केस एक का ऊपर मैंने लिख दिया, बट दूसरे प्रोसेस में बोला हुआ है क्या, इन टू स्टेप्स एन आइसोबैरिक एट पी इनिशियल फॉलोड बाय आइसोकोरिक प्रोसेस एट वी फाइनल,
अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड द सिस्टम इन द टू स्टेप अप्रोक्सीमेटली। पहले बोला यहां से यहां एक प्रोसेस पे आ जाओ, फिर बोला दूसरे प्रोसेस पे आ जाओ, और फिर फाइनल यहाँ ले आओ। तो पहला बोला आइसोबारिक प्रोसेस है, फॉलोड बाय पहले क्या था फाइनल स्टेट एंड आइसोबारिक एक्सपेंशंस, मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट वाइज है, और फिर फॉलोड बाय वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, और फिर फाइनली यहाँ तक पहुंचा देना है। अब बोला दो टर्म में हमको करना है, एक केस वन था और ये हो गया केस सेकंड। दो केस लेके किया हुआ है। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम इन द टू स्टेप्स इज अप्रोक्सीमेटली, ये जो टू स्टेप्स है ना, इन दोनों टू स्टेप्स में जो डेल्टा क्यू हुआ वो पूछ रहा है कि क्या होगा, ये फाइंड करो। 2016 का प्रॉब्लम है। ए गैस इनक्लोज सिलेंडर विथ ए मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट प्रेशर्स दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, पी फाइनल दे दिया, वॉल्यूम फॉर एडियाबेटिक क्वासी स्टेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक है, पी बी गामा तो मालूम चल गया, बोला हुआ है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो गामा गामा इज इक्वल टू आ गया 5/3, गामा इज इक्वल टू 1+2/f, तो 2/f, 2/f हो गया तुम्हारा 2/3, तो f का वैल्यू 3, मतलब रिवर्स वाइज भी बताया था मैंने, f का वैल्यू 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मतलब क्या सुदीप, मोनोडाई, क्या मोनो, हाँ सर, क्लियर है, हाँ सर, मोनोटॉमिक गैस है, ये भी इनडायरेक्टली बोल दिया। इसके जो चारों तरफ क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे कुछ करेक्शंस है, जैसे जो ये प्रोसेस है उसमें खुद करके देखो ये सेम हो पाता है कि नहीं, तो आई थिंक ये लग रहा है यहाँ पे करेक्टेड है, नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। तो 10^5 पी इनिशियल हो गया, और वी इनिशियल हो गया 10^-3 का पावर कितना करोगे 5/3 इज इक्वल टू पी फाइनल हो गया 1/32 इंटू 10^5, और वी फाइनल हो गया 8 × 10^-3 का पावर 5/3। तो दोनों सेम आना चाहिए, जहां पे करेक्शंस होगा वहां कर लेंगे हम लोग। तो ये देखो इधर 10^-5 है और यहाँ भी 10^5 है, तो ये तो गया 10^-3 है, ये भी गया। अब इधर 1 आ गया और 1/32 और मल्टीप्लाई 8 का पावर पहले 5 है और उसके बाद 1/3 है, तो फिर 8 का पावर 5 कितना होगा 1/32, इसको हम लोग 2 का पावर 5 भी तो लिख सकते हैं, तो 1/2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 8 का पावर 5 का 1/3, 1/3 को अंदर भेज दो तो 8 का पावर 1/3 क्या बन जाएगा 2 का पावर 5। हाँ एक एक्यूरेट है, 1 आ जा रहा है ना, चेक कर लिया। बहुत सारे बुक्स में ये डाटा थोड़ा गलत दे दिया है। पी इनिशियल पी वी गामा इज इक्वल टू पी वी गामा, हमने सेम करके देखा तो इधर क्या आ गया, ये सब कैंसिल हो जा रहा है, 10^5, 10^-3 भी कैंसिल हो जा रहा है, पावर सेम है, इधर बच गया फिर 1 और इधर 1/32 आ गया, और इधर 8 का पावर 5/3, तो 8 का पावर 1/3 हो गया 2 और उसका पावर 5 है, और ये 1/32 को 1/2 का पावर 5 लिख सकते हो, 1 है, मतलब यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है वो करेक्ट है, बट बहुत जगह ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी देता है लिखने में डाटा में, बट यहाँ पे करेक्शंस का नीड नहीं है। बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा क्या कि यहाँ पे गलती करती है, बट यहाँ पे करेक्शंस का नीड नहीं है। तो बोला पहले ये, अब यहाँ पे हीट का मेनली पूछ रहा है। अब सबसे पहले ये देखो, ये तो डायरेक्ट है आइसोबारिक प्रोसेस, मैंने क्यू डेल्टा क्यू लिखना सिखाया था कि डायरेक्ट कैसे लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे एन सी पी डेल्टा टी, यही लिखोगे एन सी पी डेल्टा टी, क्लियर है डेल्टा क्यू आइसोबारिक में। हाँ सर, अब आइसोबारिक है, यहाँ देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट है, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू एनआरडीटी। अब आइसोबारिक है तो ये तो जीरो हो गया, यानी कि तुम्हारा जो एन डेल्टा टी है वो कुछ नहीं पी डेल्टा वी के बराबर है, लिख सकते हैं ना हम लोग,
एन डेल्टा टी को किसमें? आइसोबारिक में। प्रेशर कांस्टेंट है तो जहां पे एन डेल्टा टी है वहां पी डेल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं, तो सीपी को सीपी में छोड़ दो और एन डेल्टा टी को हमने कर दिया पी डेल्टा वी। अब ये वी इनिशियल है, वी फाइनल मान लो, हमने ये वी ले लिया है। अब यहाँ देखो वॉल्यूम आर कॉन्स्ट कहाँ पे गया? आर, हाँ एन सी पी डेल्टा टी, आर को भी लाना पड़ेगा ना। हाँ सॉरी, एन डेल्टा टी डिवाइड बाई आर, या एक्चुअली मैं डिवाइड हो गया। यहाँ पे कट भी जाएगा आर। देखो सीपी लिखोगे ना, गामा आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन, याद है ये सब सारे फॉर्मूले, तो ये हाँ दोनों आर आर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा, गामा डिवाइड बाई गामा माइनस वन मल्टीप्लाई पी डेल्टा वी। अब यहाँ देखो पी डेल्टा वी में ये पी फाइनल है और ये वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या रहने वाला है मालूम है? 8 × 10⁻³ ही रहने वाला है, ये तो मालूम है। प्रेशर कांस्टेंट ही है तो प्रेशर्स यहाँ पे क्या रहने वाला है? यहाँ पे प्रेशर्स रहने वाला है 10⁵ पास्कल, यही रहने वाला है। तो यहाँ के लिए डेल्टा क्यू अगर देखोगे, गामा पहले से मालूम है, गामा का वैल्यू 5/3 है, तो 5/3 डिवाइड बाई 5/3 - 1 मल्टीप्लाई पी, पी कितना था 10⁵। और डेल्टा वी कितना हो गया? फाइनल वॉल्यूम मालूम है, इनिशियल वॉल्यूम मालूम है, तो 8 - 1, तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻³। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, डेल्टा क्यू तो ये 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 5/2 एंड मल्टीप्लाई 7 × 10³ चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 7 × 5 = 35/2 × 10² प्लस में आया, तो ये हमारा आ गया जूल में। इस प्रोसेस में तो पहला प्रोसेस का क्लियर है डेल्टा क्यू, बोलो हाँ सबको। सर। अब दूसरे प्रोसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट करके दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट में डेल्टा क्यू जानते हो एन सी वी डेल्टा टी। फिर से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी हम लिख सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी पी वी डेल्टा पी डिवाइड बाई आर डैट विल बी इक्वल टू एन डेल्टा टी लिख सकते हैं हम लोग। तो फिर से डेल्टा क्यू लिख दो, एन डेल्टा टी का वैल्यू कर दिया सीवी को, सीवी को पहले लिख दो, तो सीवी क्या हो गया आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन एंड मल्टीप्लाई एन डेल्टा टी को वी डेल्टा पी डिवाइड बाई आर लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, डेल्टा क्यू 1/γ-1 5/3 - 1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 8 × 10⁻³ है, और डेल्टा पी फाइनल प्रेशर्स मालूम है और इनिशियल प्रेशर्स मालूम है, तो 10⁵ का कॉमन हो जाएगा, 10⁵ का कॉमन। अब यहां देखोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम में ये जो क्वांटिटी है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जो हीट है वो निगेटिव आने वाला है, तो कोई बात नहीं जैसा आने वाला है वैसे ही लिखो। टोटल हीट को हम ऐड, स्केलर क्वांटिटी है, टोटल हीट पूछेगा तो प्लस का प्लस और माइनस का माइनस करके हम लोग काम कर लेंगे। तो यहाँ देखो 1/32 फाइनल है, माइनस इनिशियल क्या है 1 है, और कॉमन ले लिया 10⁵। यहां तक क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। दूसरे केस के लिए डेल्टा क्यू 3/5 - 3 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 × 10⁻³, और यहाँ माइनस लगा दिया और ये हो गया 31/32 × 10⁵। तो 10⁵ अगेन तुम्हारा इससे कैंसिल हो के, पहले इसको भी कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा क्यू हो जाएगा -9 × 3, 9 − 93 3 1 3 3 3 9 एंड डिवाइड बाई 4 और 10⁻². ये आ गया निगेटिव का एनर्जी और ये था तुम्हारा पॉजिटिव का एनर्जी। तो अब अगर टोटल हीट देखोगे, हीट तो डेल्टा क्यू वन प्लस डेल्टा क्यू टू, यही तो लिखोगे, ये क्यू वन है और ये क्यू टू है, स्केलर क्वांटिटी है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, 10⁻² तो कॉमन ही है,
तो 35 तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 70/4 एंड -93/4 निगेटिव आ गया है। ये टोटल हीट भी जो तुम्हारा है ना वो निगेटिव ही है, तो यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 10^2 और 93 में तुम 70 सब्सट्रैक्ट करोगे तो बचेगा कितना, 23/4 और माइनस के साथ अप्रोक्स बोल रहा है। तो अप्रोक्स ये तो 100 है तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 3 जा 15, 11 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 6 1 7, 4 1 5, तो अप्रोक्स आएगा 575 के टर्म में। तो देखो ऑप्शंस 575 के टर्म में आया ना हम लोग का, 588 एक ऑप्शंस है, और कहीं तो कुछ तो गड़बड़ नहीं किया है। पास्कल ही था, एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा ना। पास्कल सॉरी, एसआई यूनिट का क्या है, 10^5 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, या ये सेम ही होता है ना, पास्कल्स बोलो या न्यूटन पर बोलो तो सेम ही है, तो कहीं पे कैलकुलेशन हाँ मिस्टेक्स तो नहीं है। 93 में 70 घटा दो तो 3 7 2 9 में 25 से मल्टीप्लाई करना है, फाइव सेवेंटी फाइव अप्रोक्स पूछ रहा है, तो देख लो आंसर्स क्या है, 580 के टर्म में है, हाँ सर वही उसी के टर्म में है, अप्रोक्स पूछ रहा है, मेंशंस किया हुआ है, प्रोसेस इज अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली बता दो जितना टर्म आ रहा है, वही है ना 588 ही है ना, हाँ सर वही लेकिन उतना भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं ना। 5/3 गामा आर तो कैंसिल हो गया था, सीपी था, डिवाइड बाई गामा -1, 5/2, 7 पी डेल्टा वी, डेल्टा वी में देखो यहाँ 8 -1 तो 7 है, हाँ ये सही है, 10^2 बच गया, तो 35/2। अब यहाँ पे वी वी था कितना, 8 × 10^-3, अब ये पी फाइनल छोटा हो गया, माइनस पी इनिशियल -1, 10^5 ही है, तो 1 − 32 हो जाएगा, 31/32, 10^5 ऊपर चला गया, 3 नीचे बच गया 2, 8, 8 4 जा 32, 4 2 जा, यार यहाँ यहाँ पे कुछ लग रहा है, गड़बड़ है, यहाँ 4 को हमने 4 छोड़ दिया है, दिखा हाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा क्या आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा ना, बोलो दिखा, 4 2 जा 8, अब यहाँ तो सही है, तो फिर यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा, 70 और एक और हो कर दो 8 से, नीचे भी 8 तो ऊपर 140 हो जाएगा, और नीचे 93 भैया पॉजिटिव में ही आ जाएगा, तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई, और 140 में 93 को अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो 7 और 9 4 30 13, तो 47/8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4 जा 8, 25 4 जा 100, तो 47 × 25/2, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दो, एलेवन सेवेंटी फाइव बाई टू, अब 2 से डिवाइड कर दो तो डिवाइड कर दो कि 2 से तो कितना आने वाला है, 0.5 और 7
587.5, यही आ रहा है ना, और प्लस में आएगा। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1 15, 8 2 जा 16, 1 17, 5 2 जा 10, 1 11। अब आ गया, अप्रोक्स पूछ रहा है, तो ये अप्रोक्स कितना है, 588। बोला ना इतना चेंजेस नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स था, यहाँ पे हम लोगों ने सुधार दिया। अब ये भी क्लियर है, हाँ सर। इसमें क्या था, बस कुछ नहीं। हाँ, ज्यादा ज्यादातर जो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया बहुत सारे। अगर क्वेश्चंस बैंक देखोगे, लास्ट इयर्स वाले आर्काइव देखोगे ना, तो यहाँ पे डाटा में गलती किया, बट पहले मैंने डाटा चेक कर लिया, यहाँ पे सही था। तुम्हारे पार्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ से उठाया हो वहाँ पे सही था। बोला इनिशियल और फाइनल आइडेंटिटिकली हम ले गए, बट बोला अब ऐसे नहीं ले जाना है, दो प्रोसेस से लेके जाना है, फाइनली वहीं तक ले जाना है। पहला कांस्टेंट प्रेशर्स का और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम का, और बोला दोनों प्रोसेस में टोटल हीट फाइंड कर लो। तो इस प्रोसेस में चूंकि ये सब पढ़ाया है, तो हीट अगर फाइंड करना है तो प्रोसेस का फंक्शन होता है डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे तो स्प्रिंग मास सिस्टम कुछ लगा हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट जितने सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं सबको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये चूंकि प्रोसेस का है डेल्टा क्यू और कांस्टेंट प्रेशर्स का है, तो एनसीपी डेल्टा टी डायरेक्ट लिख दिया, सीपी का वैल्यू गामा डिवाइड बाई गामा माइनस वन। चूंकि प्रेशर्स वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने डेल्टा टी को प्रेशर्स वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया, और ये पहला आ गया पॉजिटिव हीट आया। दूसरे प्रोसेस में पर सेकेंड पार्ट में बोला कांस्टेंट वॉल्यूम से लेके जाना है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा क्यू लिख दिया हमने, एनसीवी डेल्टा टी, अगेन डेल्टा टी को प्रेशर वॉल्यूम में हमने कन्वर्ट कर लिया, और सीवी का आर गामा माइनस वन, और यहाँ पे प्रेशर घट रहा है तो डेल्टा क्यू निगेटिव आ गया, निगेटिव इतना आ गया। अब स्केलर क्वांटिटी है हीट, तो प्लस का प्लस और माइनस का माइनस हमने लिख के सम कर दिया, हमारा जो वैल्यू है 2587.5 और अप्रोक्स 588 जूल आ गया। क्लियर है ये भी, तो अपना हाँ सर। और कुछ भी, जैसे मान लो कि तुमको कोई चैप्टर्स नहीं क्लियर नहीं है, तो रिकॉर्डिंग तो है ही, वो देख लो, और फिर उसमें जहां भी कंफ्यूजन्स होता है वो सब पूछो। अभी जितना हेल्प लेना है इंडिविजुअल, अभी जितना हेल्प लेना है इंडिविजुअली वो सब पूछ के 11th वाले अपना फिनिश करो जल्दी से जल्दी, कोई बैकलॉग नहीं छोड़ो, जो भी डाउट्स हैं उसको पूछो, तो कॉपी कर लो इसको भी, कॉपी सर कर लो आपको सो। पता है मॉड्यूल में जो इंटरनल एक्सरसाइज है ना, हाँ बोलो, क्या बोल रही हो। मॉड्यूल में जो इंटरनल एक्सरसाइज है उसमें स्पेसिफिक ऑफ आई को हाँ वन लेके पूरा उन्होंने सारा आंसर लिख दिया है। मैं सुन नहीं पा रहा तुम्हारा आवाज जो है ना, हाफ होती है ना, बोलो फिर से। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस तो हाफ होती है ना। हाँ, एस आइस का और वेपर का, एस दोनों का हाफ होता है, आइस बोलो या वेपर बोलो, दोनों का हाफ। सीजीएस में कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम, डेल्टा क्यू लिखते थे ना एमएस डेल्टा टी हम लोग, तो ये कैलोरी आ गया पर ग्राम एंड पर डिग्री सी, हाफ होता है, और वाटर के केस में वन होता है। तो मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस को वन लेके बना दिया है। आइस का लेके वन लेके बना दी, हाँ एक चैप्टर एक्सरसाइज में नहीं वन वन गलत हो जाएगा ना, वन नहीं होता है ना, इस पे तो हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था आज, वन नहीं होता है, हाफ होता है स्पेसिफिक हीट। और एक का मेरा आंसर ही नहीं मैच हो रहा था। ये किसका, स्कूल एग्जामिनेशन का बात कर रही हो, नहीं मॉड्यूल में था, मॉड्यूल में। अच्छा मॉड्यूल का बात कर रही हो, तो मिस्टेक्स है उसको सुधारो, तो फिर तो समझ गई होगी ना कि क्यों ऐसा हुआ, आंसर्स क्यों गलत हुआ। हाँ सर। चलो सुदीप, और कुछ है, और सर था और क्या है, भेज दिए थे आपको। आवाज तुम लोग का ना पता नहीं लैग कर रहा है बहुत, कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूं।
फिर से बोलो, ट्राई करो, कुछ सुनूंगा नहीं मैं तो क्या बोलूं फिर। सर और एक क्वेश्चन भेजे थे। एक और क्वेश्चन भेजे हो, इसको कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी कर लो इसको। तो एक और क्वेश्चन, अच्छा ये तो सीरीज पैरेलल का है, बस ये जो क्वेश्चंस है ये भी अच्छा है और ये सीरीज पैरेलल का है, और ये क्वेश्चंस और भी अच्छे तरीके से बना लोगे। अभी 12 में सर्किट आएगा ना, रसिस्टर, रसिस्टर का कनेक्शन सीरीज में पैरेलल में वो आएगा तो उसे और इजीली बन जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ एक्चुअली 3 रसिस्टर जो हैं वो सीरीज में हैं, और बाहर में 2 रसिस्टर जो हैं और वो उसके साथ, ये जो 1 2 3 4 देख रहे हो ना, 2 3 4 जो है वो पैरेलल में है, और फिर सब के साथ 1 एंड 5 सीरीज में आ गई। चलो इसको कर लेते हैं, मिटा दूँ बोर्ड पे। हाँ लावन भेजा था बहुत सारा क्वेश्चन, उसको बोले थे कि 3 4 भेजा था, बोला था आना कर देंगे। एक कृतिका भी भेजी थी, आई नहीं। क्या करते हैं सब 9 o'clock? और पढ़ना तुमको तो मालूम होगा सब।